डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में अपनी ईयर एंड रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस साल की नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडिया की लोकल डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिया के इस साल के डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा नई अप्रूवल्स, नई एक्विजिशंस आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए, और इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट इन डिफेंस और हर तरह से रिलेटेड इवेंट्स को का एक समराइज्ड रिव्यू किया गया है। बट हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस और नई एक्विजिशंस की जो अप्रूवल दी गई है और जो इस साल नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ सफिशिएंसी की, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, हाउ इंडिया इज़ गोइंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिया की लोकल डिफेंस प्रोडक्शन। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया की टोटल डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,000 करोड़ थी, और 2021-22 के कंपैरिजन में इसमें अराउंड 14% का इंक्रीज है फ्रॉम 95,000 करोड़, और 2016-17 के कंपैरिजन में 45% का इंक्रीज है, जो थी अराउंड 74,000 करोड़ रुपीज़। और डिफेंस, टोटल डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब द सम टोटल ऑफ इंडिया की जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जॉइंट वेंचर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनीज के साथ, इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो पहले था उसके अंडर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनकी प्रोडक्शन, और प्राइवेट कंपनीज की टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है सेल्फ रिलायंस के लिए वो है HAL की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसकी इनॉग्रेशन इस साल PM द्वारा की गई थी, और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जिसमें इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इसमें अराउंड 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर के रेट से इसमें मैन्युफैक्चर होंगे, और इट विल बी इंक्रीज टू 60 और 90 इन अ फेस्ड मैनर इन फ्यूचर। देन द थर्ड वन इज C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन। नाउ दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के पास जो अभी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, लाइक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, दे आर डायरेक्टली परचेस्ड फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, लाइक जो C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरकुलीस और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बट C-295 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन अभी इंडिया में होने वाली है फर्स्ट टाइम, और इंडिया ने जो इसका मैन्युफैक्चरर है एयरबस फ्रॉम स्पेन, एयरबस के साथ 56 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइंड किया हुआ है, जिसमें से 16 यूनिट्स एयरबस डायरेक्टली इंडिया को डिलीवर करेगा इन अ फ्लाई अवे कंडीशन, और बाकी की 40 यूनिट्स को टाटा एयरबस के जॉइंट वेंचर के अंडर इंडिया में वडोदरा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और 16 में से एक यूनिट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुकी है इस साल सितंबर में, और बाकी की रिमेनिंग 15 यूनिट्स को 2025 के एंड तक इंडिया को डिलीवर किया जाएगा। बट इंडिया का जो फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट होगा उसकी डिलीवरी अराउंड 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। और ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है ये एक मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अनप्रिपेयर्ड लैंडिंग ग्राउंड से आसानी से टेक ऑफ कर सकता है और वहां पर लैंड कर सकता है, और दीज C-295s विल रिप्लेस द इंडियन एयरफोर्स एजिंग फ्लीट ऑफ HS-748 Avro ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। इसके बाद है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स द्वारा इस साल 5th PIL लिस्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें 98 मिलिट्री आइटम्स इंक्लूडेड थी, और पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का मतलब वो आइटम्स, वो पार्ट्स, सब पार्ट्स और स्पेयर्स जिनको अभी लोकल इंडस्ट्री से प्रिक्योर किया जाएगा, जो कि पहले इंपोर्ट की जाती थी। इससे पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 4 PILs को रिलीज कर चुका है, जिसमें 411 मिलिट्री आइटम्स थी। सो इस 5th PIL लिस्ट के PIL की एडिशन के बाद टोटल 509 मिलिट्री आइटम्स हैं जो कि लोकल इंडस्ट्री से प्रोक्योर की जाएंगी। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन भी सेपरेटली
चार पीएल्स को रिलीज कर चुका है जिसमें टोटल 4,666 मिलिट्री आइटम्स हैं और फोर्थ लिस्ट इस साल में रिलीज की गई थी। और इसके बाद इंडिया के रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स 16,000 करोड़ थे और 2021-22 के कंपैरिजन में 3,000 करोड़ का ये इंक्रीज़ है जो कि 13,000 करोड़ थे। और अगर हम 2016-17 से कंपैरिजन करें इस साल के एक्सपोर्ट्स का, तो उस टाइम पर इंडिया के एक्सपोर्ट्स वॉज जस्ट एट 1500 करोड़, सो 10 टाइम्स का इंक्रीज़ है विद इन 6 ईयर्स। और आज इंडिया की अराउंड 100 फर्म्स 85 कंट्रीज़ को डिफेंस के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, जिसमें जो मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के वो है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आकाश वेपन सिस्टम, और इसके अलावा एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स, रडार्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसके बाद बात करते हैं इस साल की नई एक्विजिशन अप्रूवल्स की। तो इस साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अराउंड 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल दी गई है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है वो है जो लास्ट मंथ नवंबर में डीएसी की मीटिंग हुई थी, उसमें दी गई थी 2.23 लाख करोड़ के वो प्रोजेक्ट थे जिसमें 97 तेजस की प्रोक्योरमेंट थी, 84 सुखोईस की अपग्रेडेशंस थी और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड उसमें इंक्लूडेड थे। और अगर हम इससे पहले इस साल की जो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज दी गई हैं, उसमें जो मार्च में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव, इसके बाद आर्मी के लिए एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स, इसके बाद जून में डीएसी द्वारा 31 MQ-9B ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई विच वुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएसए फॉर द ट्राई सर्विसेज नेवी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। देन इसके बाद जुलाई में नेवी के लिए 26 मरीन रफाइल्स की प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई थी विच वुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम फ्रांस। देन इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट अदर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की अप्रूवल थी वो थी सितंबर में, जिसमें लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स इंक्लूडेड थे, नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स, 12 सुखोईस की प्रोक्योरमेंट और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स की अवायनिक्स अपग्रेडेशन। देन मूविंग टू द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द लोकल इंडस्ट्रीज, और इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, जिसकी 70 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिस उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है HAL के साथ। इसके बाद डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जिसकी 6 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है अगेन HAL के साथ। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का यूज़ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन और रूट ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। देन इसके बाद नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स, इसका ऑर्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड को दिया गया है। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अराउंड 17,000 करोड़ के ऑर्डर दिए गए हैं। सो ये था इस साल की नई एक्विजिशंस की अप्रूवल्स, जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल्फ रिलायंस के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो अगले साल भी कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रूवल्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इंडिया का सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी अप्रूवल ऑलरेडी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है, बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अप्रूवल अभी पेंडिंग है। सो नेक्स्ट ईयर ये अप्रूवल देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो इंडिया का पिछले 10 सालों से पेंडिंग प्रोजेक्ट है, 114 यूनिट्स ऑफ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, वो भी पेंडिंग है, उसकी अप्रूवल भी पॉसिबली नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय नेक्स्ट ईयर।